नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष परीख और गुज्जू इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रिव्यू लेके आया हूं जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मार्क्यू का 1.5 टन का एसी जो मैंने एक साल पहले लिया था। आज उसका एक साल कंप्लीट होने वाला है तो उसका मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर आपको एसी परचेस करना है अभी समर में तो आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आज आपको ये मैंने जो एसी लिया उसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा मेरा मार्क्यू का एसी जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, ड्यूल इन्वर्टर वाला एसी है और यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। उसमें 100% कॉपर कंडेंसर है, हिडन डिस्प्ले दिया हुआ है, टर्बो कूलिंग है और ये 60 डिग्री तक टेम्परेचर जब आउटसाइड में रहता है तब तक ये कूलिंग को सपोर्ट करता है और 5 ईयर इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। इसके साथ ये रिमोट भी दिया हुआ है, बहुत ही इजी सिंपल रिमोट है, इसका यूसेज भी बहुत ही सिंपल है। मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये अलग अलग मोड के लिए मोड का बटन दिया हुआ है, इसमें इकोनॉमी के लिए ये इको का बटन है, यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। ये फैन की स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए है, ये स्लिप मोड में डायरेक्ट आपको अगर एसी को डालना हो उसके लिए है, ये डिस्प्ले का लाइट के लिए है, ये स्विंग का जो है लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल स्विंग करने के लिए है, ये वर्टिकल स्विंग के लिए है और बाकी सारे बटन दिए हुए जिसका ज़्यादातर को यूज़ रहता नहीं, ज़्यादातर तो यूज़ आपको मोड का करना पड़ता है और ये स्विंग का करना पड़ता है। ये इसका इंडोर यूनिट है, वैसे ही एक आउटडोर यूनिट भी उसका बाहर लगा हुआ है। इसका इंडोर यूनिट देखने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्टाइलिश बनाया हुआ है और इस पर कोई डिस्प्ले दिया नहीं हुआ है, उसका हिडन डिस्प्ले है। देखिए मैं भी चालू करके आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले कैसे शो करता है। पहले मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ये चालू हो गया है, ये इसका डिस्प्ले शो करता है कितने डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है। वो इसका कूलिंग बहुत ही बढ़िया है, मैंने ये एक साल पहले लिया था, मैंने ये मेन हॉल में यहाँ पे मेरे घर में लगवाया हुआ है और इसका कूलिंग ऐसा बहुत बढ़िया रहता है जिसके वजह से मेरा पूरा हॉल इससे कवर हो जाता है, मुझे एडिशनल इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको भी ये बड़े हॉल में या आपके मास्टर बेडरूम में लगाना है तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही सस्ता एसी आपको इस प्राइस में मिलेगा। ये मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, तब इसका प्राइस था 26,000 और अभी उसके आजू बाजू में अभी आपको नया मॉडल उसका मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एसी आपको रहेगा बजट में, अगर आपको 30,000 के से कम के बजट में अगर आपको लेना है तो। इस एसी को अगर आपको लगवाना है तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो है तो इसका इंस्टॉलेशन है। इसमें फ्लिपकार्ट आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको इंस्टॉलेशन फ्लिपकार्ट के थ्रू करवाना है या अपने हिसाब से करवाना है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप इंस्टॉलेशन चार्ज फ्लिपकार्ट के जो सर्विस इंजीनियर है उसके पास ही करवाइए। इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस वो समथिंग 1,650 रुपीज अराउंड लेते हैं और उसके साथ अगर आपको आउटडोर यूनिट अगर उसके का स्टैंड भी लगवाना है तो उसका 750 एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन इनका काम बहुत ही प्रोफेशनल रहता है और अगर आप उनसे नहीं लगवाएंगे और अगर किसी आउटसाइडर से लगवाएंगे तो आपकी एसी की वारंटी है जो है वो कॉलेप्स हो जाएगी और आपका वो एसी वारंटी में नहीं काउंट करेंगे मार्क्यू वाले। तो इससे बेटर है कि आप पहली बार जब इंस्टॉलेशन करवाएं तो मार्क्यू के इंजीनियर से ही करवाएं, तो इसका आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस भी वो देंगे और इसका क्या यूज़ करना है कैसे यूज़ करना है वो भी आपको सिखाएंगे।
दूसरी बात आती है इसके पावर कंजप्शन की, तो इसका पावर कंजप्शन भी बहुत कम है, इसका अराउंड पावर कंजप्शन 900 वॉट के आजू बाजू है। तो अगर आप पूरी रात भर अगर इसको चलाते हैं पूरे महीने तक, तो अराउंड आपके पर डे के हिसाब से 2 से 3 यूनिट ही आपके कंज्यूम होते हैं। तो मतलब आपके बिल 2 महीने का अगर बिल मान लीजिए, मेरा बिल या गुजरात में मैंने पूरा 2 महीना गर्मी में यूज किया था रात को 8-9 घंटे, तब मेरा 2500-3000 के आजू बाजू का बिल आया था। तो बहुत ही इको फ्रेंडली है, बहुत ही इफिशियंट है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये वो आवाज बहुत कम करता है। इसका आउटडोर यूनिट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए, ये रहा इसका आउटडोर यूनिट। ये भी चालू है लेकिन बहुत कम आवाज कर रहा है। तो दोस्तों, इसका आउटडोर यूनिट भी आपने देखा, ये आउटडोर यूनिट भी बहुत ही कम आवाज कर रहा है। अभी मैं आपको मेरा जो ये रूम है जिसको ये कवर करता है, अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 स्क्वायर मीटर का ये रूम है मेरा, तो ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि ये एसी कितनी एरिया को इजीली कवर कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा रूम का मेरा डिटेल दिखा देता हूँ कितना एरिया कवर करता है। तो ये पूरा मेरा जो है डाइनिंग हॉल है, ये पूरा कवर करता है। आइए, ये मेरा किचन का एरिया, वो भी इससे कवर हो जाता है। ये सारा एरिया इससे इजीली कवर हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी लगाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। जितना ये आपका रूम छोटा होगा उसमें इसका कूलिंग और भी अच्छा रहेगा, और उसमें पावर कंजप्शन और भी कम होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एसी, अगर आपको बजट एसी लेना हो तो मार्क्यू का लीजिएगा, ये बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। और ये मेरा कोई पेड वीडियो या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। 1 साल इसको यूज किया है मैंने, और उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो जो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। और ऐसे ही इफिशियंट जो इतने एयर कंडीशन अभी मार्केट में अवेलेबल है, उन सभी की लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और उससे आप परचेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।